अंदर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वजाद बुखारी और आपको खबर दिखा रहे हैं, आपको हम खबर दिखा रहे हैं पुंछ से, जहां पे आज एडवाइजर टू गवर्नर पुंछ में तशरीफ लाए और वहीं उन्होंने जहां पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान के साथ मीटिंग ली और इसके बाद उन्होंने जो सियासी व समाजी जो जमातें थी उनकी जानिब से जितने भी वफूद थे वो उनसे मुलाकी हुए पुंछ के हवाले से, अपनी प्रॉब्लम्स के हवाले से, जिसपे उन्होंने यकीन दिलाया कि वो उनके मामला का हल जरूर करेंगे। तालिबान के लिए सर जो हमें यहाँ पर पीजी कोर्स दिए गए थे उर्दू और अरबिक सब्जेक्ट के लिए, उसकी हमें अभी तक एफिलिएशन नहीं मिली। उसके बाद दूसरी बात जो है हमारा जो एक एरिया थोड़ा काम है, हमें बाहर एरिया चाहिए ताकि हम और भी विजिट बना सके, जो हमारे जो स्पेस कम है उसको एक पूरा किया जाए। और सर साथ में हमारे ये कॉलेज ग्राउंड है, ये थोड़ा कॉलेज बिल्डिंग से अनकनेक्टेड है, दूर रहता है, हमें एक फ्लाई ओवर अगर यहाँ से मिल जाए ताकि हम जो जल्दी कनेक्ट हो सके वहाँ पर हम उसको यूज में ला सकें। वहीं इसके अलावा दिगर सियासी पार्टियों के भी वफूद उनसे मिले। अंदर जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस का सारा कैद जितना आज गवर्नर साहब के एडवाइजर साहब से मिला, जिसमें के पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी, हमने अपने पूंछ की एक एक चीज जिसकी लोगों को परेशानी थी वो सारी बॉर्डर इलाके के हिसाब से सारी उनको बता दी है, चाहे वो एसएसएस के टीचरों का मामला हो, चाहे वो ट्रेड का मामला हो, चाहे वो 35A का मामला हो, हमने एक एक चीज तफसीलन बताई। वो पॉलिटेक्निक कॉलेज का मसला था, यूनिवर्सिटी का मसला था, एसपीओ का था, बिजली पीएचई के नीट बेस वाला मसला था, पंचायतों में जो बॉर्डर में लेडीज पंचायत के लिए किया गया था सरपंच के लिए उसके बारे में उन्होंने पूरी बीपीएल का मसला सरहदी पट्टी में उन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई कि जो जो पॉइंट आप लोगों का है इस पर बिल्कुल हमदर्दाना गौर किया जाएगा और ठेकेदारों का जितना बकाया जा रहा एसटीएनएफ का था, सारी एक एक चीज पे हमने बात की और पूरा हमारा वक्त मिलकर उनसे। आपको खबर दिखा रहे हैं मंडी से, जहां पे आज तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मंडी में आज मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजाम के हवाले से एक मीटिंग हुई है। पेश है पस मंजर के लिए मंडी से रियाज मलिक की ये रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रम का महीना शुरू हो रहा है, इस सिलसिले में जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम यहाँ पर मंडी में होते हैं। इस सिलसिले में इससे पहले भारतीय डिप्टी कमिश्नर साहब ने पुंछ में आज से दो रोज कबल पहले मीटिंग ली थी, यहाँ पर इंतजाम के हवाले से जायजा लिया गया था। इस सिलसिले में आज हमने तहसील इंतजामिया में यहाँ जो है वो सिटीजन्स को बुलाया था, जो तहसील इंतजामिया का ऑफिसरान है उनको बुलाया था और मुहर्रम के इंतजाम के हवाले से जायजा लिया, जिसमें हमने जो है वो बताया कि मुहर्रम के दौरान जो है वो अनकटेल जो है वो बिजली की जो सप्लाई रहे, पानी के जो है वो दस्तयाब रहे, इसके अलावा राशन का सिलसिला था उसमें भी हमने हदायत जारी की है कि राशन बर वक्त जो है वो अफजा किया जाए। सफाई का मसला था, हमने कंसर्न महकमा को हदायत जारी की है कि वो जो सड़कों की जो है वो सफाई करें। उसके अलावा आप जानते हैं यहाँ पे पलेरा में, साबका में और मंडी में जो है एम प्रोग्राम होते हैं, तो हमने दलकर महकमा को जो हदायत जारी कर दी है कि वो एम प्रोग्राम में जो है वो किसी किस्म की जो है वो परेशानी जो है वो ना। पीडीपी की जानिब से आज महेंडर में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, ये महाना मीटिंग हर महीने की जाती है और जिसमें तमाम तर मसाइल के हवाले से गोरखोज की जाती है। आइए आपको दिखाते हैं महेंडर से तारिक खान की इस रिपोर्ट में। हर माह की 8 तारीख को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जोनल सतह की मीटिंग महेंडर की मुनक्किद होती है और आज भी ऐसी ही एक मीटिंग थी और कोइंसिडेंटली मुझे भी आज महेंडर आना था और मुझे जोनल सदर साहब ने ये इस मीटिंग में शिरकत के लिए दावत दी, तो मैं इसमें आया और मैंने अपने साथियों से कारकुनान से यही कहा है कि पीडीपी के हवाले से बहुत सारे शकूक व शुबात इस गवर्नमेंट के तहलील होने के बाद जो है वो रियासत के अंदर पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं और जिसमें कई तरह की कुवतें सरगर्म हैं और कारकुनान का इस मौका पर ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पार्टी के प्रोग्राम और पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी को उजागर करें। आज पुंछ में मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 36वीं बरसी जो है बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। आज मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की 36वीं बरसी पर मैं अपनी तरफ से पुंछ के नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट विंग की तरफ से
पूरे जम्मू प्रोविंस के यूथ विंग की तरफ से खराज अकीदत मरहूम शेख मुफद्दल मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को पेश करता हूँ। शेख साहब की कुर्बानियाँ और शेख साहब के बताए हुए रास्ते, खास करके जो नारा उन्होंने लगाया हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, जिसकी वजह से आज जम्मू कश्मीर की रियासत के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का भाईचारा जो है मजबूत।